फानन में जल्दी से कहे कि चले जाओ वहाँ नीरव जी के रोड शो में। हम गाड़ी उठाए चले आए, हम पेपर का ध्यान दिए नहीं। जब यहाँ आज पेपर का ध्यान दिए तो पता लगा कि इंश्योरेंस फेल है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बीजेपी के धुआंधार सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का विजय रथ तैयार था। गाड़ी सज चुकी थी, बैनर पोस्टर लग चुके थे, लेकिन ऐन मौके पर निरहुआ के ही अधिकारियों ने निरहुआ रथ के सपने को चूर चूर कर दिया। गाड़ी पर लिखा है निरहुआ रथ। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की एक बड़ी सी तस्वीर भी लगी है। निरहुआ के साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर लगे हैं और तैयारी थी शानदार रोड शो की, लेकिन हाय रे किस्मत, सारा सपना और सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। दरअसल नगर निकाय चुनाव को लेकर सांसद निरहुआ आजमगढ़ के कटघर लालगंज में रोड शो करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ब्रेक लग गया। विजय रथ को परमिशन ना देते हुए रोक दिया गया, जिससे विजय रथ का कार्यक्रम रोड तक नहीं पहुंचा और चुनावी प्रचार के लिए दिनेश लाल यादव को किसी और गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। से इंश्योरेंस मेरा फेल था तो बंबई में बोल दिया हूँ, वहाँ से कागज आने वाला है, व्हाट्सएप पे आ जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा। तो कब से इंश्योरेंस आपकी इस गाड़ी का फेल है? अभी गाड़ी खड़ी ही थी, चुनाव में भैया की चल रही थी, विधायक जी की गाड़ी है सुभाष पासी जी की, तो नियर अबाउट ये गाड़ी मैं चलाता नहीं था, दूसरे ड्राइवर कोई चलाता था, तो उसको मालूम ही नहीं था। हमको भैया आनंद फानन में जल्दी से कहे कि चले जाओ वहाँ नीरव जी के रोड शो में। हम गाड़ी उठाए चले आए, हम पेपर का ध्यान दिए नहीं। जब यहाँ आज पेपर का ध्यान दिए तो पता लगा कि इंश्योरेंस फेल है, तो इसी कारण से हम यहाँ रुके हुए हैं। इस गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि ये रथ गाजीपुर के पूर्व विधायक सुभाष पासी का है, जिसका इंश्योरेंस फेल हो चुका है, जिसके चलते प्रचार की अनुमति नहीं मिली और निरहुआ रथ का इस्तेमाल निरहुआ के रोड शो में नहीं हो पाया। प्रशासन ने रथ की परमिशन इंश्योरेंस ना होने के कारण रोक दी और अब इंश्योरेंस की फॉर्मेलिटी को पूरा कर चुनावी कैंपेन में भेजा जाएगा। ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।